तो हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शर्मा जी इंटीरियर डॉट कॉम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पीवीसी वॉलपेपर क्या होता है, इसका प्रयोग किस जगह पे होता है, ये क्यों आपको घर में लगवाना चाहिए, इसको लगवाने घर में चार चांद लग जाते हैं या फिर घर में पैसों की बारिश होने लगती है। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि आपने पिछली वाली वीडियो पे इतना अच्छा हमको सपोर्ट दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, जिसके वजह से मतलब इतने छोटे चैनल पर बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। उन सभी के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही व्यूज़ बरकरार रखिए और मेरे चैनल को ग्रोथ करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं, बात करने जा रहे हैं वॉलपेपर क्या होता है। तो देखिए, कागज़ टाइप की एक लेयर होती है जिसे कि दीवार पे किसी ग्लू की मदद से चिपकाया जाता है। ये जो वॉलपेपर है इसका प्रयोग आजकल हर एक जगह पे हो रहा है, जैसे कि वॉलपेपर का प्रयोग ज़्यादातर शोरूम घर में हर जगह पे किया जाता है। ये वॉलपेपर अधिकतर आपको शोरूम को शॉप और हर जगह पे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यह कॉस्टली कम पड़ती है, क्योंकि पीवीसी लोअर्स या पीवीसी वॉलपेपर उनका प्राइस कुछ ज़्यादा पड़ जाता है पर इसका प्राइस बहुत ही कम पड़ता है। पर इसको आप हर जगह नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें जिस जगह पे सीलन आती उस जगह पे ये कुछ समय बाद ये छोड़ देता है, इसलिए उस जगह पे इसे नहीं लगा सकते। पर जिस जगह पे सीलन नहीं आती उस जगह पे इसके बेफिक्र लगा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं ये बनता भी कैसे है। इसे बनाने के लिए कागज़, विनायल और धातु के कई अलग अलग पदार्थ लिए जाते हैं जिसके पदार्थ से यह बन के तैयार होता है। ये कागज़ के टुकड़े की तरह दिखता है पर यह कागज़ के टुकड़े की तरह होता नहीं है। कागज़ की मजबूती के हिसाब से ये लगभग 4 या 5 गुना अधिक मजबूत होता है। जैसे कि आप कागज़ को हाथ से फाड़ सकते हैं पर इसे आप हाथ से नहीं फाड़ सकते। इसे फाड़ने के लिए आपको चाकू कटर या अन्य चीज़ ले सकते हैं। ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है तो इसलिए आप इसको लगवा सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा बरस रहा है तो आप पीवीसी लोवर्स लगवाइए, पीवीसी पैनल लगवाइए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। पर देखिए, इसका प्रयोग आप सीलन में नहीं कर सकते। पीवीसी लोवर्स और पीवीसी पैनल का प्रयोग आप सीलन में कर सकते हैं। होता क्या है कि जब इसमें सीलन लगती है तो जो इसमें ग्लू लगा रहता है वह कुछ समय बाद छोड़ देता है, क्योंकि सीलन में कोई भी पेंट कोई भी ग्लू पकड़ता नहीं है, कुछ समय बाद छोड़ देता है, चाहे वो पीओपी हो चाहे पुट्टी हो, वो जब सीलन आती है तो उसे छोड़ ही देता है। ये कैसे मिलता है, इसका प्राइस क्या है? तो देखिए, प्राइस बताना थोड़ा सा उचित नहीं होगा क्योंकि प्राइस हर जगह पे अलग अलग होता है, इसलिए प्राइस बता नहीं सकता एकदम सही। इसलिए मैं आप सभी को बता देता हूँ, इसका एक रोल आता है, रोल के हिसाब से रहता है। उस रोल में कुछ लेंथ होती है, कुछ साइज होती है, उसके हिसाब से मिलता है, जो कि आपको अपने जो भी आपके लोकल में जो भी आपके हार्डवेयर है या वहाँ पर आप जाके पता कर सकते हैं, वो आपके घर पर लगा रहे हैं क्योंकि वो लोग बंडल खरीदते हैं, उसी बंडल में से कटिंग करके आपके यहाँ लगाते हैं। इसमें अलग अलग वेरिएंट आते हैं, अलग अलग कलर आते हैं, जो कि आपके घर को सुंदर बनाते हैं, आपके रूम को सुंदर बनाते हैं, आपकी दुकान को सुंदर बनाते हैं और आपके पैसे को भी चार चांद लगा देते हैं। तो अब लास्ट पे चले आते हैं, इसके फ़ायदे और नुकसान। तो देखिए, इसके फ़ायदे तो मैंने इतने सारे बताए दिए, तो अब देख लीजिए इसके खाली दो नुकसान समझ लीजिए। पहला तो नुकसान यही है कि ये सीलन में जो रहता है इसमें पपड़ी आ जाती है, या फिर कह सकते हैं सीलन में ये छोड़ देता है। दूसरा यही नुकसान है हर एक प्लास्टिक और इसमें कि नोकदार चीज़ जो भी होती है जैसे कि चाकू या अन्य चीज़, उससे कोई भी बच्चा इसके ऊपर कटिंग फटिंग ना करे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये छोटे से वीडियो अच्छा लगा है। इस वीडियो को मैं इतना छोटा इसीलिए बनाता हूँ ताकि हर कोई देख पाए और हर कोई को मतलब इतना ज़्यादा समय नहीं, आजकल तो शॉर्ट्स चल रहे हैं, ऐसे ऐसे मतलब शॉर्ट्स करते रहो, इसलिए मैं इस वीडियो को इतना छोटा बनाता हूँ कि जितने कम लोग मतलब ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेना चाहता क्योंकि वही जानकारी थोड़े समय में दे सकते हैं। तो ये तो पूरी जानकारी पीवीसी वॉलपेपर के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो चली वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कई नई वीडियो का, और अगर आपके पास भी कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।